उत्तर प्रदेश के लखनऊ की बात करते हैं, जहां पुलिस ने पिछले दिनों हुई हत्या का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। देखिए, थाना इटौंजा क्षेत्र में 30/31 की रात को एक हत्या की घटना हुई थी, जिसमें गुड्डू उर्फ कदीर खान इनका शव मिला था सुबह 31 तारीख को। पुलिस मौके पर पहुंची, सर्विलांस टीम भी आ गई थी। इसके खुलासे में हम लोगों ने दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के नाम हैं मोहम्मद शमीम और मृतक की पत्नी शबनम। ये दोनों अभियुक्त पिछले 2 महीनों से लगभग संपर्क में थे और इनके संबंध बन गए थे। और साथ ही इनकी पत्नी जो शबनम है, उसने ये भी बताया है कि इनका जो पति जो मृतक है वो इससे मारपीट करता था और शराब के लिए पैसे मांगता था, तो ये उससे तंग आ गई थी। तो दोनों अभियुक्तों ने मिलजुल करके ये प्लान बनाया और जब इस रात 9 बजे जो मृतक है उसका एक दोस्त है विशाल और शराब लाने जब वहाँ से कमरे से निकला, उसी दरमियान इन दोनों ने मिलकर चाकू से गला रेत करके मृतक की हत्या कर दी। हमें चाकू भी, जो हत्या में प्रयुक्त चाकू भी मिल गया है, साथ ही चाकू कहाँ से खरीदा गया था इसका भी पता चल गया है। इस प्रकार इस घटना का पूरी तरह से अनावरण कर दिया गया है। दोनों अभियुक्तों को आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।